बिग बॉस OTT लाइव फीड के दौरान रात के समय एल्विश यादव, जिया शंकर, फलकनाज और अविनाश इन लोग के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जहां एल्विश यादव जो कि बर्तन धोते रहते हैं फुकरा इंसान के साथ मिलके और अपने गाने राव साहब के बारे में बात करते रहते हैं, वहीं जब वो बर्तन धोने जाते रहते हैं तो पहले तो उनको जिया टोकती है कि चलो सुबह से एक काम तो करेगा, ऐसा बोलती है। पहले तो उनको इग्नोर कर देते हैं एल्विश यादव, बाद में जब वो बर्तन वॉश करते रहते हैं और अपने गाने के बारे में बात करते रहते कि अच्छा चल रहा है, तो उसी पे पीछे से आके पोक करने की कोशिश करते हैं। अविनाश उनको बोलते कि बाहर की बातें मत करो, तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो, ये वगैरह उनको बोलना चालू कर देते हैं। इसी पे एल्विश यादव को गुस्सा आ जाता है और बोलते कि तू बिग बॉस है, तू यहाँ का ताऊ है, जो तू बताएगा हमको कि क्या बात करना है क्या नहीं। बिग बॉस टोकेंगे, बिग बॉस लेटर देंगे, हम लोग को जो बात करनी है हम लोग करेंगे। जहाँ इसी पे बात हीटअप होती जाती है और एल्विश यादव बोल देते कि भौंक मत, ऐसा सब बोल देते, जिस पर फलकनाश को भी मिर्ची लग जाती है और फलकनाश भी बोलना चालू कर देती है कि मैं नहीं थी तो मुझे क्यों बोल रहा है, और बोलते रहे ऐसा सब चालू हो जाता है। वहीं एल्विश यादव को बेबी का समझाती है कि आपने बोला ठीक है पर आप थोड़ा वो कम बोलिए, नहीं तो इन लोग एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसी पर एल्विश यादव बोलते हैं कि मेरे लिए सब बराबर है, लड़का लड़की। जहाँ वो बताती रहती हैं कि वो लड़की थी तो आपने बोल दिया कि कुत्ती भौंक रही है, भौंक ऐसा सब, तो आप वो सब मत बोलिए। जहाँ एल्विश यादव बोलते हैं कि भाई मैं गुस्सा नहीं था, मैं सुबह से सब काम कर रहा हूँ बिना कुछ किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर दूंगा, पर इन लोग जो पीछे से लगे हुए हैं ना बार बार, तो इन लोग सुनेंगे भी और मेरे लिए सब बराबर है, एक जैसे, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।